भाई धंधे का सीधा उसूल है कि अगर पैसा छप रहा है तो माल बनते रहना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम लोग को आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ टीजे और आप सभी लोग देख रहे हैं सुपर एक्सपोर्ट। आज हम बात करने वाले हु इज मैडम वेब और इसका आने वाले सोनी के स्पाइडर वर्स के अंदर क्या रोल होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये स्पाइडर वर्स के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो भाई आज का वीडियो बहुत कमाल होने वाला है, जल्दी छोटा लाइक कर दो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई अगर तुम लोगों ने स्पाइडर वर्स देखा हो तो स्पाइडर वर्स मूवी देखी है, तो उसके अंदर हमें जब पूरे स्पाइडर वर्स के बारे में करके बताया जा रहा था कि किस तरीके से हर एक यूनिवर्स के अंदर एक स्पाइडरमैन का होना जरूरी है ताकि यूनिवर्स का बैलेंस मेंटेन रहे और हर एक यूनिवर्स दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है और इसी के बनता है पूरा स्पाइडर वर्स। मतलब हर एक पीटर की जिंदगी में वो किसी न किसी को खोएगा और फिर वही सारी चीजें चलेंगी और हर एक ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्स में कहानी थोड़ी ऊपर नीचे होंगी लेकिन एंड आखिर में वही होगा और सारे स्पाइडर वर्स को ये लोग मतलब स्पाइडर जो टीम है वो कंट्रोल करती है और यही सेम काम है मैडम वेब का भी। अब मैडम वेब एक्चुअली में म्यूटेंट होती है जिनके पास में बहुत ही कमाल की पावर्स होती है, जैसे वेब ऑफ लाइफ, वेब ऑफ डेस्टिनी, कई सारी साइकिक पावर्स और कई सारी मेंटल पावर्स, जिस वजह से भाई ये काफी पावरफुल कैरेक्टर है और ये सारे स्पाइडर वर्स को देख सकती है, यानी कि हर एक मल्टीवर्स को ये देख भी सकती है और उनके अंदर ट्रैवल भी कर सकती है। जहां पर नॉर्मल स्पाइडरमैन को वॉच की जरूरत होती है, मतलब बिना वॉच के अगर किसी में चले गए तो वो वहां पर टेढ़े मेढ़े फटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन भाई मैडम वेब ये खुद ही कर सकती है, मतलब उसके पास ये जेनेटिक पावर है। तो समझ लो कैरेक्टर कितनी ज्यादा पावरफुल है और मैडम वेब सारी यूनिवर्स को देख के उन्हें वही मेंटेन करती है जो स्पाइडर वर्स टीम यहाँ पर कर रही है। लेकिन अभी तक मैडम वेब इंट्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन आने वाली मूवीज में भाई सीरीज बारे इंट्रोड्यूस होने वाली है और आप लोगों को न्यूज से मिली गई होंगी कि मैडम वेब कैरेक्टर को सोनी के अंदर और कोई नहीं बल्कि हम सबके दिल की धड़कन डकोटा जॉनसन प्ले कर रही है। अब इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनके पहले बहुत ही रोमांटिक कार्नर में हम देख चुके हैं तो मतलब उस सीन पर नहीं जाते, पर सोनी वाले भाई है तो बहुत खतरनाक। फैन की डिमांड को अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसे किससे रिप्लेस करना है, अगर इन्हें दिखा देते तो आज मैं शायद डकोटा जॉनसन सॉरी मतलब मैडम वेब के ऊपर वीडियो भी नहीं बना रहा होता, लेकिन काश इन्हें किया है तो वीडियो बनाना तो भाई बनता ही है और आप लोग देखना भी और छोटा लाइक करना भी बनता ही है, तो सल्यूट फॉर दैम। तो इसलिए मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में ही कि अगर पैसा छप रहा है तो माल बनाते रहो, मतलब अगर स्पाइडरमैन बिक रहा है लोग देखना चाहते हैं तो भैया बुराई क्या है, बनाते रहो दिखाते रहो। तो सॉरी ट्रैफिक को वापस आते हैं, तो मतलब भाई बवाल बहुत बड़ा होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने जितना मल्टीवर्स के भंगड़ देखे स्पाइडरवर्स को लेके वो एक या दो ही पर्सन है, पूरा के पूरा स्पाइडरवर्स अभी एक्सप्लेन करना बाकी है और वो तभी एक्सप्लेन होगा और तभी एक्सप्लोर भी होगा जब मैडम वेब हमें इंट्रोड्यूस होंगी और बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है। अभी तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, शूटिंग स्टार्ट है और बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन शायद मे बी स्पाइडरवर्स के अंदर पहले मैडम वेब के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब तीसरा जो पार्ट आने वाला है उसके बाद में इसकी जो फिनॉफ सीरीज आने वाली है वो आगे कंटिन्यू होगी। लेकिन भाई बवाल तो होने वाला है, तुम्हारा क्या ख्याल है कमेंट बता रहे चलो, और अगर इसके बारे में कॉमिक ओरिजिन जानना चाहते हो मैडम का तो वो भी कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा।